राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में सर्वत्र हर्ष हर्ष सा लहरा दिया लुक एंड लर्न के बच्चों ने। और उन्हें आगम गाथा पठन की गिफ्ट अर्पण करते हुए जुड़ गए सभी के हाथ, जब अहोभाव की पलकों पर बिठाकर हुआ दीक्षार्थी श्री देवांशी बेन का आगमन। क्रोध शत्रु ना प्रहार सहवा क्षमा ढाल अम पासे, क्षमा ढाल अम पासे, मान रिपु ने महात करवा विनय शौर्य हर श्वासे, विनय शौर्य हर श्वासे, मोह चक्र व्यू ने छेदवा विद्या सत्य ने साथे। प्रस्तुत हुआ सच का सर्च टॉक शो जो सत्य को प्रकाशित कर गया। आप जब संयम लेंगे लोड कैसे कर पाओगे? आज हम दोनों ट्राई करते हैं। ओके, आई विल टेक वन हेयर, यू टेक वन हेयर। हुआ कैसे? हुआ थोड़ा सा हर्ट हुआ और अच्छा भी लगा। अच्छा भी लगा? हाँ। तो सोचो हम पूरे बाल जब लोच करेंगे तब हमें कितना अच्छा लगेगा। हम भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे हमें हमारी भेद ज्ञान की क्वालिटी, हमारा सोल और हमारी बॉडी डिफरेंट है ये एक्सपीरियंस करने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। दीक्षार्थी श्री देवांशी बेन ने किया संसार को अलविदा। कुछ ऐसी रही दीक्षार्थियों की तड़प अपने रजोहरण को खोजने की। आत्माओं ने हमारे रजोहरण गोतवानू छे त्यारे हमारी पास एक क्लू रूप चटाईवी त्यारे भाव थया क्या भटकता आत्मा ने तारनार परम गुरुदेव आव्या। जारे रजोहरण ने शोधी रही हती त्यारे मन में खात्री हती कि अवश्य तेने शोधी ज लईश અને તે આત્માને પરમાત્મા સુધી પહોંચાડીને જ રહીશ। દીવાની દીવાની મન ભાવની ચી દીક્ષા, દીવાની દીવાની મન ભાવની ચી દીક્ષા, દીવાની દીવાની મન ભાવની ચી દીક્ષા। પ્રભુ ત્યારે તમે પણ મળ્યા હતા ત્યારે મેં તમને ભૂલવાની ભૂલ કરી છે, બસ આપ હવે एक भूल सुधार वीच, न तने भूलू न तारा आश्रेष्ठ उपकरण ने भूलू। धन्य धन्य हुआ अवसर दीक्षार्थी श्री देवांशी बेन द्वारा हुए वर्षीदान के मांगल्य के साथ।